19 जनवरी से होगा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। उद्घाटन के अगले 100 दिनों तक चलती रहेंगी ट्रेन। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू समेत कई जगहों से ट्रेनों का संचालन होगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। तो राम मंदिर को लेकर रेलवे की भी तैयारी, राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, रेलवे की भी अलग तैयारी, राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। बिल्कुल देखिए, अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिसको लेकर के तमाम राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इन राम भक्तों को अयोध्या में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। इस दिन को अधिक दूर बनाने के लिए भारतीय रेल ने भक्तों के लिए विभिन्न हिस्सों से करीब 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इन ट्रेनों का संचालन 19 जनवरी से शुरू होगा, बस उद्घाटन से अगले 100 दिन तक चलेगा, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को पवित्र शहर की यात्रा कराई जा सके। ये विशेष ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू सहित प्रमुख शहरों से होकर अयोध्या तक चलेगी। रेल मंत्रालय ने यह भी बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का काम 2 चरणों में किया जा रहा है, जो 40 करोड़ रूपए की लागत से पहले चरण का काम 31 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कानपुर में केस्को के जूनियर इंजीनियर पर कंप्यूटर ऑपरेटर से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी जूनियर इंजीनियर